हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। इस यूट्यूब क्लास पर आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, जो मैथ का एक इंटरेस्टेड टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करें। तो सेट होता क्या है? तो सेट का एक डिफिनीशन है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपके पास कुछ चीज़ है, उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन कर रहे हो, मैंने वेल डिफाइंड मतलब बढ़िया से जानकारी है उसके बारे में। जैसे मैं बोल दूँ, अगर आप अल्फ़ाबेट लिख रहे हो ए से लेकर जेड तक, ठीक है, तो इसमें कितनी वॉवेल्स हैं, तो सबका आंसर सेम होगा, नो मैच नो मिसमैच, सबका आंसर सेम होगा। अभी दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 20 के नीचे कितने प्राइम नंबर हैं, तो ये भी सबका आंसर सेम होगा, 1, 3, 5। 1 नहीं होता है प्राइम नंबर में, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। ये सब चीज़ें प्राइम नंबर है, जो 20 के नीचे है, 20 के नीचे इतने ही प्राइम नंबर हैं। और एक और चीज़ समझिए, सेंस से आपसे पूछा जाए, इस स्काई में जो सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं वो कितने हैं, तो सब लोग बताओगे अर्थ, वेनस, मार्स, जुपिटर और बाकी जो चीज़ें, आप सब बता दोगे सही से। तो जहाँ पर वेल डिफाइंड हो, कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट का, वही क्या कहलाता है बाबू, सेट। अभी मैं बोल दूँ कि आपके स्कूल में कितने स्मार्ट बॉय हैं, तो क्या आप सही बता सकते हो आंसर? अभी राम बताएगा कितने लोग स्मार्ट बॉय हैं, अभी सीता बता देगी कितने लोग स्मार्ट बॉय हैं, दैट इज़ नॉट एक्यूरेट आंसर, इसलिए वो सेट नहीं है। अभी आपके क्लासी में बात की जाए कौन बेस्ट टीचर है, तो कुछ लोग बोलेंगे राम सर जी बेस्ट टीचर हैं, कुछ लोग बोलेंगे श्याम सर जी बेस्ट टीचर हैं, कोई बोलेगा हरी सर जी बेस्ट टीचर हैं, दैट इज़ अ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट। सेट ये नहीं है, द सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक हमने सेट का पूरा जानकारी लिया, सेट का डिफिनीशन आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा और साथ एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, अगर हम सब चीज़ें समझ गए सेट के बारे में, तो सेट में दो ही चीज़ें, शुरुआत में हमें बस इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे अभी, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, पहले रोस्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो रोस्टर में क्या होता है, जैसे आपसे बोला जाएगा कि 20 के नीचे कितने इवन नंबर हैं, 20 के नीचे, तो आप क्या करोगे कि एक ऐसा सेमी ब्रैकेट बनाओगे, यहाँ पर भी सेमी ब्रैकेट बनाओगे, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पर 2 लिखा, 4 लिखा, 6, 10, 12, 14, 16, 18, तो भाई ये 20 के नीचे क्या है, इवन नंबर है, तो आपने बता दिया आंसर, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब टेबल के रूप में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे टेबल की तरह लिख दिया नंबर वाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब ये तो हो गया, मान लो यहाँ पर लिखना होगा तो सेट लिख दोगे, सेट इक्वल टू इतना सेट में ये लोग हैं। अब देखो सेट तो बन गया भाई, तो सेट के अंदर जो रह रहा है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट या मेंबर बोलते हैं, यानी उस सेट का मेंबर है। तो एक वर्ड आता है, एक सिंबल आता है जिसको बोलते हैं बिलोंग्स। इसका मतलब क्या होता है बाबू, बिलोंग्स क्या होता है, बिलोंग्स याद रखिएगा, बिलोंग्स ये सिंबल है। और इसी पर आप ऐसे गुस्से में ऐसे कर दिए तो क्या आंसर हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स, क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स। अब बात आती है कि ये सेट बन गया 20 के नीचे सभी इवन नंबर का, क्वेश्चन यही रहेगा कि 20 के नीचे कितने इवन नंबर हैं, उसका सेट मुझे दिखा दो बना के रजिस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, तो आप ऐसे लिख दोगे, हो गया, ये सब मेंबर हैं सेट के। तो एक क्वेश्चन आएगा, क्या 4 उस सेट में है, तो हाँ बोलोगे, 4 इज बिलोंग टू एस। क्या 5 उस सेट में है, क्या 5 उस सेट एस में है, तो नहीं है, क्योंकि 5 देखो कहीं दिख रहा है नहीं, तो नॉट बिलोंग्स, अगर बिलोंग कर रहा है तो सिंबल लग जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपने समझा, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका था कि सेट ऐसे होगा। अब क्वेश्चन आता है, अब वो क्या बोलेगा कि ऐसे एक नंबर लिख देगा, 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब आपसे बोल देगा कि इसको आप अपने एक सेंस में लिखो, जनरल टर्म में, तो ये क्या लिख रहा है, आपको ये कैसा नंबर दिख रहा है, सोच के बताइएगा, कैसा नंबर है, सोचिए 2 मिनट वीडियो पॉज करके, तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि कैसा है, सोचिए, सोचा, ये है आपका ऑड नंबर, कैसा है, ऑड, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है।
तो आप क्या बोलोगे? x एक नंबर है, x क्या है? इसको मान लेते हैं सभी लोग x वाले लोग हैं, x मतलब वेरिएबल, कोई भी हो सकता है भाई, इसमें से कोई ले लो ना। x एक नंबर है, x एक नंबर है, x सच दैट, x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स कर रहा है? ऑड नंबर, किससे बिलोंग्स कर रहा है? ऑड नंबर से, और साथ में ऑड नंबर तो है लेकिन किससे लेस है ये भी सोचो। तो x इज लेस देन 8, x की वैल्यू 8 से छोटी है। x मैंने क्यों टर्म यूज किया, आप y भी करो ना, y एक नंबर है, y सच दैट, आप कुछ भी बोल सकते हो। जेड वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? कोई भी वैल्यू, 1, 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो x एक नंबर है, x सच दैट, x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स ऑड नंबर एंड x इज लेस देन 8, यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, x सच दैट, बस ये से लिख दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट s नाम दे दिया सेट, ठीक है। x सच दैट, x बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड x लेस देन 8। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो आप अपने क्लास में पढ़ोगे भी और समझोगे भी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, देखिए। अगर बोल दिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए, कुछ दे दिया जाए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, 4, 8, 12, 16, ठीक है। अब बोल दिया कि इसको भाई सेट बिल्डर फॉर्म में करो, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे यहाँ पर लिख लेना, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी अभी ने इसके पहले क्या पढ़ा था, रोएस्टर या टेबलर फॉर्म, अब पढ़ा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो भाई देखो यहाँ पर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, तो आपको क्या सेंस लग रहा है कि 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, यानी 4 का मल्टीपल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट, x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब किससे बिलोंग्स कर रहा है, मल्टीपल ऑफ, क्या लिखोगे बाबू, मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 से है ना टेबल में, देखो, एंड लेस देन, x लेस देन 17, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें आसानी से समझ गए होगे, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में हमने ये सीखा कि सेट होता क्या है, बेस्ट एग्जांपल के साथ, और साथ में पढ़ा दो रूप, जैसे आप सेट को कैसे लिख सकते हो, एक होता है रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और बहुत से एग्जांपल हम समझेंगे डेली लाइफ में, आप भी घर पर ट्राई करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।